आप देख रहे हैं 4 बजे की इनसाइड स्टोरी। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ईद के मौके पर भी घाटी में घमासान मचा रहा। 24 घंटे में दूसरी बार कश्मीर घाटी में पाकिस्तान और आईसिस के झंडे लहराए गए। गिलानी समर्थकों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। सूत्रों की माने तो ईद के मौके पर उपद्रव की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची थी। श्रीनगर के उपद्रव ईद के मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ईद की नमाज के बाद अलगाववादियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने इसका जवाब आंसू गैस के गोले दाग कर। घाटी में कई जगहों पर त्योहारों का मौका भी तनाव में घिर गया। पुलिस और पत्थरबाजी के बीच 3 जगहों पर झड़प हुई। सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर है, जिसमें उपद्रवियों ने दूसरे दिन भी पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराए। श्रीनगर में 2 अलग अलग जगहों पर बवाल मचा। ईद की नमाज के बाद श्रीनगर के निचले इलाकों में अलगाववादियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। दूसरी तरफ हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर इकट्ठा हुए उनके समर्थकों का पुलिस से टकराव हुआ। गिलानी समर्थक चाहते थे कि ईद की नमाज के लिए गिलानी को घर से बाहर आने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। दरअसल गिलानी को 15 अप्रैल को दिल्ली लौटने के बाद से ही नजर बंद कर दिया गया है। पुलिस के इनकार से भड़के गिलानी समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी आंसू गैस के गोले दागे और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। श्रीनगर जैसी ही तस्वीर अनंतनाग में नजर आई। यहां भी पुलिस और पत्थरबाजों के बीच लंबी जंग चली। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ने के साथ ही एक पत्थरबाज को हिरासत में भी ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में बार बार ISIS और पाकिस्तान के झंडे दिखने के मामले की जांच की है। शुरुआती जांच में शक की सुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर गई। बताया जा रहा है कि ISI ही पत्थरबाजों को उकसा रही है। यही नहीं, झंडों के लिए फंडिंग भी वही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन हुए प्रदर्शन पर चिंता जताने की जगह सियासत जारी है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी PDP सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस NCP की सरकार में ये सब नहीं होता था क्या? अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आता है। वो इस तरह की हरकतें जारी रहेगी और गवर्नमेंट को सख्ती से निपटना चाहिए। एक तो वो कारण है और एक ये भी कारण है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों पर उनकी मर्जी के खिलाफ थोपी है, उसका भी एक रिएक्शन है। आरोप लगा रही है कि जब से मोदी सरकार आई है इस तरह घटनाएं और बढ़ी हैं। देखिए, मैं इस पे ज्यादा ये राजनीति करना चाहेगी कांग्रेस, मैं उस पे इतना ही कह सकता हूँ। कांग्रेस को याद दिलाऊंगा कि भाई आपकी सरकार थी, आप गठबंधन की सरकार कहते उमर अब्दुल्ला जी के साथ, उसमें पथराव भी बहुत हुए थे, उसमें जो बच्चे थे वो भी मारे गए थे, वो उन दिनों को ना भूलें। ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो घाटी के अंदर विशेष रूप से जो होता है, ये पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, मगर इस समय हर तरफ से अंकुश लग रहा है और इसको देखते हुए इन लोगों ने ये कुछ झंडे अपने पाकिस्तानी के लहरा रहे हैं। मगर इतना ही मैं कह सकता हूं, लोकतंत्र की बड़ी भारी शक्ति होती है, बुलेट का जवाब बैलेट दे चुकी है और उसी बैलेट के माध्यम से, उसी लोकतंत्र के माध्यम से जो सरकार है इन पे कड़ी कार्रवाई करेगी।